उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पे होते हैं, अगर बात किया जाए राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री साहब यहाँ पे होते हैं, अमित शाह खुद आ जाते हैं, उसके बाद भी नाराज़गी क्यों है? यही है कि भाई हमारा जो हमारा हक है वो हमें भी तो मिलना चाहिए, जब हम आँख मीच के वोट दे रहे हैं। तारीख का इंतजार कर रहे हैं आपके सी कार होगा जी, अब क्या बहुत बढ़िया, भाजपा को पता लग जाएगा अब कैसे ठाकुरों को एक तरफ करा जा। तैयारी है जी पश्चिमी यूपी में, सहारनपुर से लेकर मुझे गाजियाबाद तक, अब हम चाह रहे सारी बीजेपी की सारी सीट क्लियर हार के जाऊँ यहाँ से। ये क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है? युवा ये सोच रहा है जो इसका हरा होगा उसे वोट देगा, युवा टाइम के टाइम बदल जाएगा। 400 मुकदमे करवा दिए। किसके ऊपर? हमारे ऊपर करवा दिए, काले झंडे दिखा देते हमने, नाराजगी जताई थी। नाराजगी काले झंडे किसको दिखाए? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान में, और पहला चरण ही तस्वीर साफ कर देगा कि देश में किसकी हुकूमत बनने जा रही है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव कराया जाता है। लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव हो, जहां से उसका माहौल बने और वो पूरब तक उसका माहौल बनता चला जाए। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब कुछ होता चला जा रहा है। दरअसल कुछ चीजों को आप ना ये ले लेते हैं कि यार ये तो मेरा ही है, ये कहां चला जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं टेक इट ग्रांटेड। कुछ जातियां ऐसी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही सोच लिया ये कहां चली जाएंगी। तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, बीजेपी का ये तो हमारे वोट हैं, हम इनमें लात मारेंगे, इन्हें धके आएंगे तब भी ये हमारे पास रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही, खास तौर से ठाकुर मतदाताओं को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समय में 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, वो ठाकुर हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में कम से कम 6-7 मंत्री ठाकुर हुआ करते थे, और पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सिर्फ गाजियाबाद से एक ठाकुर वी के सिंह और शायद 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते थे। मंत्रिमंडल की बात करूं, योगी मंत्रिमंडल में तो ठाकुर जयवीर सिंह के अलावा कोई भी मंत्री योगी मंत्रिमंडल में नहीं था, उनको भी इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या परिस्थिति हुई कि वी के सिंह का टिकट भी काट दिया गया जो 5 लाख वोटों से जीते थे। फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षत्रिय वर्ग को व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, और मुजफ्फरनगर से संजीव वालियान जो बहुत कम मार्जिन से जीते थे उनको फिर टिकट दे दिया गया। पूरे इलाके में आप घूमेंगे तो ये क्षत्रिय समुदाय के सब लोग कहेंगे कि संगीत बालियान ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है क्षत्रियों में संगीत सोम, और योगी जी के बड़े करीबी मंत्री थे सुरेश राणा, इन दोनों को चुनाव हरवाने में संजीव बालियान ने बड़ी खासी भूमिका अदा करी, ये सब जानते हैं। और इस बार क्षत्रियों में बहुत गुस्सा पैदा हो गया कि भाई हमारे ये दो नेता थे, इनको चुनाव हरवाया संजीव बालियान ने, और फिर संजीव बालियान को टिकट मिल गया। इसके बाद संजीव बालियान ने अलग अलग जातियों को लेकर टिप्पणी भी करी थी पिछले दिनों में, ब्राह्मण समुदाय को बहुत अपशब्द कहे थे, सैनी समुदाय को अपशब्द किए थे। क्षत्रियों ने जब गाजियाबाद से टिकट कट गया वीके सिंह का, तो बड़ी पंचायत अलग अलग करी, सरधना में करी, सहारनपुर में करी, इतनी तीखी गर्मी में करी। वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमें अपमानित कर रही है, इस बार हिसाब किताब साफ किया जाएगा। इस बीच में गुजरात में मोदी जी के मंत्री ने एक क्षत्रिय समुदाय को अपमानित करने वाली एक बात कह दी, और जिससे क्षत्रिय समुदाय भड़क गया। राजस्थान, जयपुर, पूरे राजस्थान, गुजरात, हर जगह क्षत्रियों ने बड़े आंदोलन शुरू कर दिए, और ये तपिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी जा पहुंची। संगीत सोम का बयान सामने आया जो संजीव बालियान ने कहा के लिए, उन्होंने कहा कि संजीव बालियान मेरे स्तर का नहीं है। बड़ी कोशिश हुई संगीत सोम को बनाने की, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने संगीत सोम के पेट में मुक्का मारा, पीठ झुका के लाड़ से मुक्का मारा, मेरा शेर इस तरह करके कहा,
जैसे लाड़ में लोग करते हैं, लेकिन संगीत सोम का जो अपमान किया था बाल्या ने, संगीत सोम भूल नहीं पाए, सुरेश राणा भूल नहीं पाए, और भूल भी जाते तो बाकी क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने भूल लेने दिया। और भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ गया, क्योंकि बीजेपी समझ गई थी अगर क्षत्रियों का यही हाल ला तो कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सारी सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाथ से चली जाएंगी। अब योगी आदित्यनाथ को लगाया गया, राजनाथ सिंह को लगाया गया, अमित शाह आए कि किसी तरह से क्षत्रियों को मनाया जाए। योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी सभा में संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और क्षत्रियों में ने उनके मुंह पर नारा लगा दिया, योगी जी तुमसे बैर नहीं और मोदी जी की दिल्ली की खैर नहीं। एक मैसेज और चला गया क्षत्रियों में कि अगर 300 पार चले गए तो योगी जी का हटना तय है। दिल्ली ने जो योगी आदित्यनाथ के संग व्यवहार किया है उसे ये साफ है कि किसी तरह से, चूंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं, वरना कब का योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता। क्षत्रियों में मैसेज चला गया कि अगर इस बार भी बंपर सीटें जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लिहाजा अलग अलग जगह पर क्षत्रिय पंचायत करने लगे, क्षत्रियों में गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, लेकिन गांव में क्या घट रहा है, स्पॉट पे क्या घट रहा है, ये मुझे जानना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम को, क्षितिज कांत को, अपने कैमरामैन को भेजा मुजफ्फरनगर में, और खेड़ा गांव है मुजफ्फरनगर से थोड़ी दूर है, वहाँ 16 तारीख को यानी कल पंचायत होने वाली है क्षत्रियों की, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि भाई किसको समर्थन करना है, भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट करना है तो किसको समर्थन करना है। तो क्षत्रिय इस गांव में, बाहुल गांव में क्षितिज कांत पहुंचे और वहां पे उन्होंने लोगों से बात करी। इस पूरे इलाके में रहेंगे, मैं उनकी गांव की पल पल की रिपोर्ट आपको बताता रहूंगा। फिलहाल मैं क्षितिज कांत की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर क्षत्रियों के मन में गुस्सा किस बात को है, क्या रिएक्शन है, और रिएक्शन है तो फिर बाल्याम साहब क्या पहले नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे की लड़ेंगे, या फिर तीसरे पे पहुंच जाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि बाल्याम तो केवल दूसरे नंबर पे आने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव तो वो हार चुके हैं। अब चूंकि दिन इतने कम बचे हैं तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ क्षितिज कांत के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं इस खेड़ा गांव से क्षितिज कांत की लाइव रिपोर्ट। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण होती है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक प्रधानमंत्री को पहुंचाने में, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहले चरण का जो चुनाव की जो वोटिंग होने वाली है उसमें मुजफ्फरनगर की सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से राजपूत समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। बात यह होती है कि यहाँ पर जो एक बात की जाती गन्ना बेल्ट की या फिर जाटलैंड की, यहाँ पर राजपूतों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, ये बातें लगातार हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो टिकट बटने चाहिए थे वो टिकट क्यों नहीं दिए गए, जनरल वी के सिंह का नाम आता है, उनका टिकट क्यों काटा गया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पर जो टिकट जो दिया गया है बालियान साहब को, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर लगातार जो बातें होती हैं वो ये बातें होती हैं कि जहाँ मारो चौधरी वहाँ मारो वोट। तो सबसे बड़ी बात ये, आपने देखा बीते समय चवन्नी भी कैसे पलटी थी, इसकी भी चर्चाएँ लगातार हो रही है। और हमारे साथ यहाँ पर खेड़ा के लोग हैं, खेड़ा की अगर आपको बात बता दूँ तो खेड़ा में 16 तारीख को यहाँ पर पंचायत होने वाली है, और वो पंचायत कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो राजपूतों की पंचायत है। और राजपूतों को लेकर के बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है तो नाराजगी क्यों हो गई। हम यहाँ पर खेड़ा के लोग हैं हमारे साथ में, और यहाँ पर बात होती है कि 95% राजपूत रहते हैं, 10,000 वोटर हैं और 10,000 वोटरों में 95% राजपूत, और ये जिस करोड़ बदलेंगे उसी तरफ मुजफ्फरनगर की सीट जाती है। तो क्या कुछ होने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर युवा भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीनियर्स भी आप देख रहे हैं, तो किस करोड़ बदलेगा 2024 का लोकसभा चुनाव और मुजफ्फरनगर की सीट किसके खेमे में जा रही है, इस पर चर्चा होगी। शुरुआत आपसे करेंगे, नाम आपका? ओमपाल सिंह।
आप भी राजपूत हैं? हाँ जी राजपूत। क्या माहौल चल रहा है? काफी नाराज है मुजफ्फरनगर की जनता, ये तमाम सुर्खियां बटोर रहा है, क्या है मामला पूरा? मामला तो यही है कि राजपूत जो है शुरू से लेके, हम तो जब से वोट डालना शुरू करा है आंख मीच के फूल पे वोट लगाते मोहर लगाते रहे, भाजपा पे लगाते रहे, लेकिन जो प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए वो पहले तो थोड़ा बहुत मिलता भी था, अब तो बिल्कुल ही मतलब निल हो गया है। अब की बार हमारी बेल्ट जो है गाजियाबाद से लेके और इधर सहारनपुर तक एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया गया, तो ये है। और दूसरा हमारे इलाके में जो है मतलब कोई विकास भी पिछले 5 साल में इतना नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, जो हम दूसरे इलाकों में देख रहे हैं। यहाँ पर यह भी विरोध हो रहा है जनरल वीके सिंह का, जो टिकट जो काटा गया था उसको लेकर बाद से ही थे वो वीके सिंह गाजियाबाद से ही थे, वहाँ से लेके सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी ठाकुर को एक भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ पे लगातार सभाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पे होते हैं, अगर बात किया जाए राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री साहब यहाँ पे होते, अमित शाह खुद आ जाते हैं, उसके बाद भी नाराजगी क्यों है? भाई आने को तो आते ही रहेंगे, सब आते हैं, उनका सबका स्वागत है, कोई किसी से ये नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि भाई हमारा जो हमारा हक है वो हमें भी तो मिलना चाहिए, जब हम आंख मीच के वोट दे रहे हैं। तो इस बार भाजपा से नाराज है? नाराज है समाज, समाज नाराज है, समाज नाराज है। अच्छा एक बात की जाए, यहाँ पे जो तीनों बड़े चेहरे, राजनाथ सिंह की बात की, योगी आदित्यनाथ की बात की, अमित शाह की बात की, इनके आने के क्या मायने हैं? क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग गया है शीर्ष नेतृत्व को कि मुजफ्फरनगर की सीट हाथ से निकल चुकी है? नहीं अब तो देखो, अब तो समय ही निकल गया, कल पंचायत 16 तारीख में यहाँ पंचायत है, उसमें निर्णय हो जाएगा बाकी। 16 तारीख की पंचायत में निर्णय होगा, अभी तक के किस खेमे में जा रहा है? अभी तक तो यही है कि जो बीजेपी को हराएगा उसी की तरफ समाज सब बातें कर रहा है जाने की। यहाँ पर बीजेपी को हराता हुआ कौन दिख रहा अभी? अभी तक तो ऐसे ही चल रहा, बराबर चल रहा मामला। किसके किसके बीच में? इसका बसपा का और समाजवादी पार्टी का बराबर से चल रहा है, देखो कौन किसकी तरफ होता है, और 16 तारीख में निर्णय हो जाएगा। 16 तारीख को निर्णय हो जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आपसे भी दादा बात करूंगा, नाम आपका? प्रकाश है जी। प्रकाश जी आप भी राजपूत हो? हाँ जी। क्या होने वाला है, 16 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आपके सीकार होगा जी, अब क्या बहुत बढ़िया, भाजपा को पता लग जाएगा अब कैसे ठाकुरों को एक तरफ करा जा। अब क्या जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 विधानसभा है, एक भी विधानसभा में तय जो दे बता दो किसी ठाकुर का नाम आया क्या? कुछ नहीं आया। 10 साल में बालियान जी आए यहाँ, एक व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी के पास में आए, बाकी किसी के पास में नहीं आए। अच्छा सड़कों का हाल देख लो, यहाँ जो मेन है ये भी हमारे विधायक जी ने बनवाई। अच्छा एक छोटी सी सड़क थी उसको कई साल तक है रहे, वो नहीं बनवाई गई, उस पर स्कूल में कोई काम नहीं करवाया गया, वादे तो इतने कर रहे हैं अब भी फित्ता काट गए, बताओ अब फित्ता काट गए। कल परसों छाव नहीं बना दिया हमारा गांव, नो कहे मैं दबाव में लूँगा वोट, हम ना देने के दबाव में, बिल्कुल नहीं देने के। आपका गाँव छावनी क्यों बनाया गया? वो नो कहे था मैं दबाव में लूँगा, डरा रहा था हमें, इतनी फोर्स थी 2000 PSC और वो आर्मी लेकर आया यहाँ, बताओ हम उसकी उसमें रहे दबाव में, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी का गांव, बीजेपी का गांव होते हुए इतनी फोर्स लगानी गांव में, ये अच्छा नहीं लगा गांव वाले को भी, इतनी फोर्स लगा दी हमारे गांव में। उस दिन आया था अभी वही 15 दिन हो गए उस बात को शायद, तो जब इसे नाराजगी बढ़ गई थी, हम तो एक तरफा वोट करने वाले थे, एक तरफा वोट 10-2 बार दिए बादल को वोट, दो के दो बार फुल सपोर्ट वोट पूरे गांव के, पूरे गांव के वोट, एक भी काम गांव में कुछ भी काम 10 साल में नहीं किया बालियान ने कुछ भी। लेकिन आपने सपोर्ट किया पूरा 10 साल बराबर सपोर्ट किया जी। आप भी राजपूत हो? हाँ जी हम भी राजपूत। नाम क्या लिखते हो? नाम सोनू है जी मेरा। सोनू जी एक बात और होती है, मुजफ्फरनगर में मैं चौराहों पर बैठा, चाय के दुकानों पर बैठा, वहाँ ये बातें कर रहे हैं कि जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी ताकत कम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इस तरीके की बातें हो रही, क्या वाकई में इस तरीके से लगता है आपको? हाँ जी लगा तो हमें ऐसा ही, ऐसा हो सकता है, जब बड़े बड़े नेता जो हमारे बीजेपी के थे, संजीव सोम था, उधर सुरेश राणा था, वे हटा के तला बैठा दिए, वीके सिंह था, अब कुछ दिन बाद क्या पता लगा है ये हमारे से योगी को उतार के फेंक दें,
तो आपने इस चीज की क्या क्या तैयारी की है? तैयारी है जी, पश्चिम यूपी में सहारनपुर से लेकर मुझे गाजियाबाद तक, अब हम चाह रहे हैं सारी बीजेपी की सारी सीट क्लियर हार के जाऊँ यहाँ से। ये तो आप लोगों ने पूरे इस तरीके इस पूरी बेल्ट में तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी दड़ोत्ता में पंचायत हुई थी बहुत बड़ी, ससोली में भी होली दर, और खेड़ा में है लास्ट वाली, ये ताकत तो पूरी लगाएंगे जी हम राजपूत समाज जी, पूरी ताकत लगाएंगे। आपको बता दें 19 तारीख को वोटिंग होनी है और 17 तारीख को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 16 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है, 16 तारीख को ही यहाँ पे एक बड़ी पंचायत होनी है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, इनके पास ही बैठते हैं, आपसे मैं समझने का प्रयास करूँगा। युवाओं के बीच में लगातार जा रहे होंगे, वहाँ पर माहौल क्या बन रहा है? ये जो राजपूतों की जो लगातार जो बैठकें जो हो रही हैं, जो सभाएँ हो रही हैं, आप भी राजपूत हो गए जी? अजय सोम नाम है मेरा। क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है? युवा ये सोच रहा है जी, जो इसका हरा होगा उसे वोट देगा युवा, टाइम के टाइम बदल जाएगा। बदलना चाहते हो जी? इससे जो भी हराने का सोचेगा उस हरा होगा, मतलब जो मार्जिन तक हरा होगा उसे वोट करेगा युवा। तो नाराजगी आप लोगों में क्या, तो सीनियर से वो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं? अभी भर्ती करवाई थी मुजफ्फरनगर में, पक्षपात करा जी, जाट बरादरी के लड़के आगे बैठाए जी, गंजे करवा करवा के कम उम्र के दिखवाए जी, वे अब मैं डाल का बहिष्कार करा जी उन्होंने, जो भर्ती हुए वो भी मतलब जिन्हें रेस मारी वो भी निकाल दिए। कपसाड़ गांव का एक हमारा भाई था, 24 गांव में लगाए जी, वो सुसाइड किया उसने आके, फिजिकल करने के बाद वो आउट किया। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी चली इसको लेकर नाराजगी जी? ये इस तरह नाराजगी है, विकास नहीं करा कुछ भी, तानाशाही कर रखी जी गाँव में, 400 मुकदमे करवा दिए। किसके ऊपर? हमारे ऊपर करवा दिए, काले झंडे दिखा देते हमने, नाराजगी जताई थी। नाराजगी काले झंडे किसको दिखाए? संजीव बालियान को दिखाए जी, उसके कुर्गे हैं जी गांव में जी, उन्होंने मुकदमे लिखवा दिए हमारे नाम। विरोध जताया था जी अपना? विरोध करना कौन सी गुनाह है जी, बताओ कहानी विरोध होता? काले झंडे दिखाने कौन से पत्थर मार दिए थे? आप पढ़ाई करते हो जी? पढ़ाई करता हूँ मैं। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए की आज मैंने जब फाइनल, बीए फाइनल किया और आप विरोध कर रहे थे, आपके ऊपर मुकदमे लिखाए गए? मुकदमे लिखवाया गया जी मेरा नाम, मेरे नाम ऐसे बहुत युवा मेरे भाई हैं ऐसे जिनके नाम मुकदमे हैं, अतानाशाही करके पुलिस भिजवाते हैं गांव को, छावनी बना देते हैं, कोई बोलने का तैयार नहीं, ऐसे कैसे वोट ले लेंगे? ये दाब से वोट मिलती है क्या? तो अभी आप खुल के बोल रहे हो डर नहीं लगता? डर किस बात का जी, हम तो मर मारने से डरते ही नहीं, पहले 2013 में नहीं डरे जी जब इनका बोलबाला करवाया हमने। अच्छा, एक बात करेंगे, युवा हो आप, आपने भाजपा को वोट भी किया और इस सरकार में आपके यहाँ पे जो आपके जो प्रतिनिधि बने, जो आपके बड़े नेता बने, वो भी भाजपा से चुन किया है, आपका वोट उनको गया, उसके बाद इस तरीके से जब घटनाएं जब घटित हुई तो युवाओं के मन में क्या आया जी? युवाओं के मन में तो ये जी, जो पक्षपात करेगा उसे गोडे तोड़ देंगे, उसके तरते में मिला देंगे, जहाँ तक उठाते वहीं छोड़ देंगे ला के, चाहे इसमें कोई हो जी। कोई हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पुलकित है जी। पुलकित जी, आप भी राजपूत? हाँ जी, मैं राजपूत ही हूँ जी। तो युवा क्या सोच रहा है, क्यों नाराज है इतना? युवाओं का जो नाराजगी का मुख्य कारण यही है, अपने विशेष समुदाय को सुख सुविधा प्रदान करना, जो भी विकास के कार्य हुए हैं अपने समाज के लोगों को ही उनकी सुविधा दी गई है, अधिकतर हमारे क्षेत्र में आने का कोई कार्य नहीं किया है उसने, जबकि आप पिछले आंकड़े उठाकर देख लेना, हमारी सोम 24 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है बालियान जी को जिताने में, ये आंकड़े हैं, ये कोई मेरा अपना अनुमान नहीं है, आप देख लेना इस चीज़ को भी। और दूसरा, विरोध करना सभी का अधिकार है, जब हम उनको वोट दे रहे हैं तो विरोध भी करेंगे, लेकिन उनका ये जो तानाशाही वाला रवैया है कि वो उन पर केस दर्ज करवाते हैं जिन्होंने विरोध किया था, ये कहाँ का तरीका है? उनको गाँव में आना चाहिए था, विरोध का कारण पूछना चाहिए था, आपसी मतभेद खत्म करना था, यही तो तरीका होता है, अब विरोध करना ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्या ये जो राजपूतों की लगातार जो बैठकें हो रही हैं, एक तरीके से बात ही बाहर भी होती है, मैं बाहर से आया हूँ, ये जो संगठनात्मक तरीके से आप लोग वर्क करते हैं, जिस तरीके से राजपूत एक जगह पे प्रताड़ित होता है उस तरीके से हर जगह उस मुद्दे को उठाया जाता है, एक साथ सपोर्ट करता है, पूरे देश भर में सपोर्ट करेगा, तो क्या इस बार अगर आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में विरोध किया तो क्या ये देश भर में विरोध होने वाला है? जी, ये पूरे देश में, ये चिंगारी यहाँ से शुरुआत हुई थी, पूरे देश में फैल चुकी है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे जगह जगह से खबरें आ रही हैं, गुजरात को देख लो आप, मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो, आपने देखा ही होगा, ये जो तानाशाही वाला रवैया है, हालांकि राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी के साथ ही रहा है, लेकिन इस तरह से उनको एक तरफा उठा के रख देना, उनका ना कोई किसी को टिकट ना देना, काटना चारों तरफ से, इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा ही। क्या इस बार कोई भी तरीका हो सकता है कि आप लोग भाजपा में इसको सपोर्ट कर सकते हो आखिरी तक? नहीं, अब तो फिलहाल तो कोई तरीका नहीं बचा जी, अब सारे रास्ते उन्होंने बंद कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, भाजपा को नहीं करे जाए कि सही जाओ फिर।
भाजपा कोई नहीं करने के चारों तरफ रैली हो रही है। राजनाथ सिंह को भी भेजा जा रहा है, जो भी क्षत्रिय समाज के नेता हैं, उच्च स्थान है जिनका पार्टी में, उनको भेजा जा रहा है जिससे कि वो राजपूत समाज को मना सके। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है जी, अब कोई इसका समाधान नहीं है। रहे जी, ये क्या कुछ बोल रहे हैं, ये तो जैसे ये कहेंगे वैसे बोल लेंगे राजनाथ सिंह। ये पहले कहाँ थे जी, ये जब टिकट बट रहे थे जब भी तो यहीं थे, कहीं दूर था थोड़े ला रखे, दिल्ली बैठे हैं सारे कट्टे। देखिए बात हो रही है कि अब तीर हाथ से निकल चुकी है, देरी हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं और समझते हैं पूरे माहौल को। नाम आपका? राकेश कुमार। आप भी राजपूत हो जी? युवा यहाँ पे काफ़ी नाराज हैं, शुरुआत होती है, मैं बात करता हूँ, अमित शाह के बारे में बात होती है, योगी जी के बारे में बात होती, सब यहाँ पे आ गए आपके मुजफ्फरनगर में, फिर भी मान क्यों नहीं रहे आप लोग? नहीं, मानने की इसमें कोई बात ऐसी है नहीं, क्योंकि केंद्र के द्वारा जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा हम राजपूतों का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग शून्य कर दिया गया है। और जब हमारा प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया है तो उसका तो विरोध करना ही, हमें अपना हक तो मांगना ही है। और हक मांगने के लिए लोकतंत्र में क्या है, सबसे मजबूत चीज़ वोट है, तो वोट की चोट देंगे उनको, तभी तो हमारा हक मिलेगा। मुजफ्फरनगर में एक बात सुनी है मैंने, जहाँ मारो चौधरी वहाँ हमारो वोट, तो चौधरी साहब आपके जो बड़े चौधरी आरएलडी के जो मुखिया रहे हैं वो तो एनडीए गठबंधन में जा चुके हैं, तो अब क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? नहीं, हमारा हम अपना प्रतिनिधित्व मानते हैं ना, हमारा प्रतिनिधित्व लगभग शून्य कर दिया है राजनीति में भाजपा जो वो है शीत नेतृत्व, तो उसने हमारा प्रतिनिधित्व लगभग शून्य कर दिया है। और अपना हक मांगने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है भाजपा से, भाजपा ने हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग शून्य कर दिया है। क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देश भर में बात की जाए, जो राजपूत की एक ताकत जो पावर मानी जाती है उसको क्षीण करने की यानी शून्य करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उसी हक को मांगने के लिए हम विरोध जता रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा जो विरोध जताने का तरीका है वोट है, तो वोट की चोट देंगे उनको, वोट की चोट देने के बाद। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रोहित सोम है। पढ़ाई करते हो अभी? नहीं जी। क्या काम करते हैं आप? अब तो जी खेती करें। खेती करते हैं, आप भी किसान हैं? हाँ जी। यहाँ बात होती है, कई जगह सुना असली किसान तो बोला जाता है जाट है वो भी, ऐसा क्यों है? किसानों को तो जी वे राया बताते हैं, राजपूतों को जो बताओ राया कौन है आप ही बताओ, ये रया किसको बोलते हैं? रया मतलब कि जो बर्तन अर्तन माना जाता है, जो काम करने जाता है। हम पिछड़ी जाति किससे आए हैं, अब कैसा वोट ही बता देंगे, वोट देने का तरीका बता देंगे अब किसको? देखिए राजपूत को रया के बारे में बता दूँ, अभी जैसा बताया कि पिछड़े जाति में आते, इस तरीके से इन लोग के ऊपर टिप्पणी की जाती है, जिसको लेकर के भी नाराजगी, एक ये भी एक बड़ा पॉइंट है। आपका नाम सर क्या हुआ? गुलजार सोम। आप भी राजपूत? हाँ जी राजपूत हैं जी। क्या आखिरी तक के बात बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो आप? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी, जहाँ तक जी हमारा वो हो रहा है हम हराने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक भी हमारे वो है हम पूरा हराने की कोशिश करेंगे। ये बात से मुजफ्फरनगर में रहेगी या पूरे देश में? पूरे देश में फैलेगी जी, जहाँ तक भी हमारी कोशिश रहेगी हराने की कोशिश करेंगे। अब चुनाव यहाँ है, फिर हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ सीख है 26 तारीख में। हाँ जी। आपका सर नाम? अंकित सोम। क्या चल रहा माहौल, अब तो क्लियर हो चुका है कि राजपूत तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी राजपूत हो? जी सर राजपूत है। तो इस बार माहौल सब पलट चुका है? माहौल बीजेपी के जो नए नए अंदरघाती प्रत्याशी हैं वो ही बीजेपी को गिराने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनके जो नए नए बोल हैं, अभी गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जी को देख लो, उन्होंने हमारी राजपूत महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा विशेष कारण है। और हमारे यहाँ पे भी जो मुजफ्फरनगर हुए, अलग अलग जगह पर इनके बीजेपी के जो प्रत्याशी हुए हैं उनके ऐसे ऐसे बयान कि चुनाव आने के बाद हम सबको देख लेंगे, आकलन होगा, समीक्षा की जाएगी, तो एक ये तानाशाही, ये डराने की जो इनकी राजनीति है, क्या राजपूत समाज कहीं टोकरे में बैठा है क्या या हाथ बंधे हुए हैं? जिस राजपूत समाज ने 100% हर बूथ पे उसको बीजेपी को जिताने का काम किया है, आज उस राजपूत को बीजेपी ने नीचा दिखाने का काम किया है, इसलिए हम बीजेपी को बायोकॉट बीजेपी करते हैं। क्या उस पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काट सकती थी बीजेपी? क्या जहां से बीजेपी से जो प्रत्याशी उठे हुए हैं उनसे जनता की नाराजगी बीजेपी को अभी दिखाई दी है, आलाकमान को वो टिकट काट के किसी अन्य जाति को भी दे सकती थी, लेकिन जिस प्रत्याशी से नाराजगी थी उसको क्यों नहीं हटाया गया?
क्या आज ही बीजेपी को ये राजपूत समाज दिखाई दिया है कि यहाँ पे जो शीर्ष नेता हैं राजपूत समाज के उनको भेजा जा रहा है, जैसे राजनाथ सिंह जी हुए, योगी जी हुए? तो देखो, अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब तो जो 16 तारीख को हमारी महापंचायत सोम चौबीसी में होने जा रही है, वो जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी तक के ये भी होती रही है कि राजपूत समुदाय एक ऐसा समुदाय रहा है जो कट्टर समर्थक भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि बूथ स्तर तक के राजपूत समाज ने बिल्कुल कट्टरता से, बिल्कुल मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, कभी गद्दारी नहीं की। और इस बार काफ़ी नाराज़गी है राजपूत समुदाय में। आप लोगों से भी बात करूँगा। नाम क्या लिखते हो? गौतम शर्मा। गौतम शर्मा जी, इस बार माहौल क्या देख रहे हैं और क्यों राजपूत समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी से दूर अब भाग रहा है, क्या वजह रहती है? सर, राजपूत नहीं, ब्राह्मण समाज भी उससे दूर भाग रहा है इस टाइम, क्योंकि सर वो उसने जो बयान था ना उनका रया कुम, जबकि आप इतिहास उठाओगे तो इतिहास में आप देखेंगे तो जो जमीन है उनके पास में, जाटों के पास जो जमीन है वो हमारी दी हुई है, त्यागी ब्राह्मण और ठाकुर, और आज ही हमें ही रया बता रहे हैं। और सर, ब्राह्मणों के खिलाफ भी उनकी बहुत गलत बयानबाजी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी गलत बयानबाजी है उसकी। तो इसलिए ब्राह्मण भी सर ठाकुरों के साथ है और पहले से साथ रहा है हमेशा, आपके भी साथ है सर। इस बार खुल करके ब्राह्मण और राजपूत भाजपा का विरोध करें सर, खुलकर पूरे देश भर में? सर, पूरे देश भर में। आपका सर नाम? मुदित सोम। इस बार आप भी भाजपा को सपोर्ट नहीं करने वाले? भाजपा तो गायब हो लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गायब हो चुकी है। मोदी जी और अमित शाह जी को उनकी कुर्सी हल चुकी है। गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और तुम्हारा मेरठ, मेरठ में बताओ कहाँ से फिल्म इंडस्ट्री उठा कर यहाँ पे उनको लेकर आए? वो क्या 5 साल उनको जनता के बारे में क्या पता है? उनको यहाँ से उठा कर टिकट दे दिया, क्या वो जनता के बारे में जानते हैं कि जनता को किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कहाँ किस गांव में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ किसान की प्रॉब्लम है, क्या जानते हैं? उनसे क्वेश्चन किया गया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप चुनाव के बाद में यहाँ रहेंगे, तो उनके जवाब आते हैं कि ये तो समय बताएगा, ये समय बताएगा। जो कैंडिडेट चुनाव जीतने से पहले अपने स्टार प्रचारक में ये बोल रहा है कि ये चुनाव के बाद पता लगेगा मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा, क्या भाजपा को ऐसे कैंडिडेट लाने की जरूरत थी? यहाँ पर भाजपा को कैंडिडेट वो लाना चाहिए था जो समाज के बीच में हो, जो गांव की समस्या जानता हो, जो किसान की समस्या जानता हो, जो किसान की सुनता हो, आप जो युवा की सुनता हो। हमारे शीर्ष नेताओं के जो सब यहाँ से हटा दिए गए, क्यों इनको ये दिख नहीं रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सीट दी मुरादाबाद, इनको पता है चुनाव हारेगा वहाँ, वो 100% सीट चुनाव हार रही है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे 5% मुस्लिम वोटर हैं, वहाँ पे सीट पे चुनाव लड़वा रहे हैं। अब एक सीट बाद में अभी गवर्नर बनाए हैं, क्यों बनाए हैं भाई? जो आदमी 5 लाख वोट से चुनाव जीत के आया है, अब आप उनको उनका टिकट काट के तुम उन्हें जम्मू कश्मीर भेज रहे हो, उनको तो खून की खाट पर सुलवा दिया आपने ले जाके। क्यों? अमित शाह और मोदी जी को ये देखना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ सिर्फ जाट ही नहीं रहते, यहाँ त्यागी समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, कश्यप है, सैनी समाज है, क्या बस ये जाट लैंड रह गया? मुजफ्फरनगर सीट पे बराबर के जाट हैं, बराबर के राजपूत हैं, वहाँ अमित शाह जी ने रैली करी है शाहपुर में, वहाँ बोल के गए, क्यों जाट लैंड वालों कहाँ गई तुम्हारी आवाज़? अरे जाट लैंड वाले आवाज़ कहाँ से निकाल लेंगे, आवाज़ तो बंद कर दी राजपूतों ने तुम्हारी। और राजपूत समाज नहीं, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, हर एक वोटर आज भाजपा के बायकॉट के उस पीछे लगा हुआ है, और हम इस चीज़ को पूर्णता साबित कर देंगे 19 तारीख में। बाल्यान जी को ये बता देंगे, अभी कल परसों का बाल्यान जी के भाई का ये है वर्ड है कि चुनाव के बाद हर आदमी को देखेंगे। क्या देखोगे आप? जेल में डलवाओगे? राजपूत समाज ने इस देश के लिए बहुत पुराना इतिहास है हमारा, इतिहास के पन्नों में से इतिहास काट दिया, इतिहास खत्म हो जाएगा। बाल्यान जी को क्या पता इस चीज़ का? वो कल परसों हरियाणा में जॉब करते थे, यहाँ आकर चुनाव लड़ लिया मोदी लहर में। अरे चुनाव लड़ना था ना जब केंद्र में सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, जब चुनाव लड़ते जब बताते ना, जब भाजपा का कोई झंडा थामने वाला नहीं था ना, राजपूत समाज ने जब यहाँ से भाजपा को खड़ा किया था और ये चिंगारी यहाँ से उठी थी, भाजपा से यहाँ पे मजबूत हुई और भाजपा यहीं से ही ख़त्म करेंगे। भाजपा मुजफ्फरनगर से मजबूत हुई और मुजफ्फरनगर से ही ख़त्म करेंगे, आखिरी में आपने सुन लिया है। मैं शुरुआत आपसे किया था, आपके पास फिर से आऊँगा, सभी से आपके सामने मैंने बात की है, सभी को सुनने के बाद तो क्लियर लग रहा है कि भाजपा का खुलकर विरोध हो रहा है। बड़ी बात यह है कि
अब विरोध तो हो रहा है लेकिन समर्थन किसको करेंगे, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। भाई ये तो अब इसमें 16 तारीख में पंचायत होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा, जो भी होगा सारा समाज इकट्ठा होगा, जो भी निर्णय लेंगे उसमें हो जाएगा बातचीत। 16 तारीख को निर्णय होगा, और क्लियर बता दिया है कि राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा था मुजफ्फरनगर से, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती हुई थी देश भर में और मुजफ्फरनगर से ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का बात यहां से स्टार्ट हो चुकी है, और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि राजपूत त्यागी ब्राह्मण समाज क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे नाराज है, और क्लियर कह दिया है कि इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद। देखा आपने कितने भड़के हुए हैं लोग, खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार हम सबक सिखा देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे, और कितने गुस्से में हैं। जाहिर है कि नेता को बड़ा विनम्र होना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, वरना जो वालियान का हाल है वो किसी भी नेता का हाल हो सकता है। मुझे बताइएगा कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।